ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सीरीज बर्तमान आम सात दिन पर्यटन ऑलरेडी कवर हो सारे एवं बर्तमान आम डे नंबर 8 रे आसी पहुंच जाइए। ऑलरेडी 70 क्वेश्चन सॉल्व कर सारी ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम 8 नंबर डे को जी बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1 को टाइम बेसी वेस्ट करें डायरेक्ट चल क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मत दी ए कंटेनर कंटेन 96 केजी ऑफ मिक्सचर ऑफ आसाम टी एंड दार्जिलिंग टी इन द रेशियो 5:7। अच्छा 5:7 रेशियो अच्छे दैट मींस 12 यूनिट वैल्यू मो बाहर केते अच्छे 96। तो 1 रो वैल्यू केते आसे 8 दैट मींस 5 रो वैल्यू केते आसे ना सर 40। देन मते को 7 रो वैल्यू केते आसे ना सर 56। त माने आसाम टी और दार्जिलिंग टी ए रहला मो पाखरे क्वांटिटी। देन क्वेश्चन देला इफ 36 केजी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट जदि मिक्सचर रो मो मिक्सचर बाहर करजी दैट मींस सर मिक्सचर रेशियो रे बाहरिबो तो को रेशियो रे रहबो को मते ना सर अगेन 5:7 रेशियो रे बाहरिबो। तो 36 जदि 12 यूनिट रे वैल्यू है तो 1 यूनिट रे वैल्यू केते 3। तो 5 यूनिट रे वैल्यू इटी केते बाहरिबो को ना सर 15। एठु केते बाहरिबो को ना सर 21 बाहरिबो। देन मते क्वेश्चन ने कोन पचारजी कहो देन मते क्वेश्चन दिजी देन सर 40 केजी ऑफ द दार्जिलिंग टी इज आडेड दैट मीन दार्जिलिंग टी मो पाखे 40 केजी बर्तमान आड हो गला। तो बर्तमान मत को टोटल क्वांटिटी केते अछि 25। एठी मो पाखे टोटल क्वांटिटी केते रहबो को बर्तमान सर ये मो पाखे आसे 35। तो मिसि गले केते गला 75। मते को टोटल वैल्यू केते अछि 100 जोटि के आसाम टी अछि 25 दैट मीन 25% मोर कोन अछि आसाम टी इन द फाइनल मिक्सचर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर पूरा बढ़िया भाव। क्वेश्चन नंबर 2 को देख। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 टिके रिपीट हो जाइए ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा देख। क्वेश्चन नंबर 3 द एवरेज नंबर ऑफ टॉय विथ बी एस एंड यू इज 20। तो मैंने कहीपरि सर बी एस यू रे टोटल वैल्यू के 60 अच्छे। देन दीजिए कौन ना सर द एवरेज नंबर ऑफ बी वी आर इज 100/3 दैट मीन बी प्लस भि प्लस आर वैल्यू के मो पाखे टोटल ना सर 100 अच्छे। मतलब पचार व्हाट इज द एवरेज टॉय विथ बी एस यू वी आर दैट मीन 5 जन वैल्यूर एवरेज मतलब पचार। अच्छा मतलब गोटे जिनस को ये मतलब स्पेसीफिक वैल्यू कहार किसी मिल पार कि टोटल हमें पाई परिवनी दैट मींस मोर आंसर कौन है जो को एवरेज भी हमें बाहर कर परिवनी दैट मींस वैल्यू इज मोर कौन ना सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन है वैल्यू हमें बाहर कर परिवा नहीं। क्लियर आगे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन दीजिए इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 432 बिकम्स 686 इन 3 ईयर एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मींस मत वर्तमान को 686 अमाउंट हो जाइए जोटी थी मो पाखे 432 दुईरा को जब कैनसल करते दब कौन सर 343 दुईरा को कैनसल कले के दब मत कौन सर 216 दैट मींस मैं कहीपरि 7/6 पावर क्यूब अच्छे दैट मीन प्रत्येक थर जो इंटरेस्ट मतलब मिली केते इंटरेस्ट मिली कह ना सर 16/2/3% ये मोर सक्सेसिवली अच्छे दैट मीन 7/6 होल क्यूब अच्छे। आगे बड़ क्वेश्चन कौन दला ना सर क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट अमाउंट ऑफ 72,000 फॉर 2 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मत बर्तमान को रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि समान अच्छे जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मो पाखे समान रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे 16/2/3% तो मतलब को 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट के सर 6767 तो 36 जदि मो पाखे प्रिंसिपल अच्छे तो 49 मो पाखे अमाउंट दैट मीन सर केतर इंटरेस्ट मिल सर 13 इंटरेस्ट मिल जदि 13 इंटरेस्ट 2 वर्ष मिली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रे तो मतलब को रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 थिला दैट मीन्स मुझे जी ट्री रे ये जिनस को आरेंज करने चाहिए तो 6-6-1 मत मिल तो सिंपल इंटरेस्ट के सर 12 तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रेसीो के गैप रहा सर 13:12 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 इन ए ड्रायर देर आर थ्री कलर्ड ऑफ नैपकिन दैट इज व्हाइट पिंक एंड येलो इन द रेशियो ऑफ 5:8:13 रेस्पेक्टिवली इफ द नंबर ऑफ पिंक नैपकिन आर 30 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द व्हाइट एंड येलो नैपकिन। अच्छा व्हाइट और येलो मो पाखे अच्छे केते ना सर अच्छे मो पाखे 18 पिंक अच्छे केते 8 तो गैप अच्छे केते 10 10 रो वैल्यू क्वेश्चन ने केते दीजिए ना सर 30 देन मते पचार जे कोन ना सर टोटल नंबर ऑफ नैपकिन दैट मींस टोटल मो पाखे केते अच्छे कोन ना सर एठी मो पाखे थला 18 या 8 केते गेला ना सर 26 तो 0 0 कैंसिल 26 3 केते गेला ना सर 78 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 ए 322 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो 325
मीटर बोले गोटे ट्रेन अच्छे जी षाठी किलोमीटर पर आवर आगे जाऊँगी एंड व्हाट विल द ट्रेन क्रॉस ए मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अच्छा गोटे लोक जब अपोजिट डायरेक्शन दौड़ी आसूसी दैट मीन से कौन रही ना सर जो दीटा मूविंग ऑब्जेक्ट मोर कौन अच्छा ना सर अपोजिट डायरेक्शन दौड़ी आसती दैट मीन मो पाखे वैल्यू कौन हम कह ना सर से मोर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट हुए और रिलेटिव स्पीड मोर कौन हम जो अपोजिट डायरेक्शन अच्छे तो मैंने S1+S2 अच्छा जब कह लोक को मुझे क्रस करुच्छे दैट मीन ट्रेन केवल और केवल निज लेंथ को ही क्रस कर दैट मीन 325 मीटर लेंथ अच्छे मो पाखे इज इक्वाल टू ये 60+5 65 × 5/18 ए आसो ना नहीं को इंटू मो पाखे टी के सेकेंड पचार तो देख 65 को कैंसल कले 5 5 5 कैनसल लगे तो टी रैल्यू के सर 18 सेकेंड अप्सन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर क्लीयर बर्तमान क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा देख क्वेश्चन नंबर 7 मो पाखे कौन अच्छी ना सर फॉर ए टूर फ्रॉम 20 मेंबर टीम ऑफ आरसीबी ओनली 75% सिलेक्टेड तो 20 रु मोर केते सिलेक्टेड 75% मैंने 3/4 कैनसल कले 5 दैट मीन सर 15 जन सिलेक्टेड अच्छा देन तपर दे फ्रॉम 30 मेंबर ऑफ फ्रॉम एमआई ओनली 40% कौन अच्छा सिलेक्टेड 30 40% मैंने सर 12 सिलेक्टेड अच्छा मत पचार द प्लेयर सिलेक्टेड फ्रॉम आरसीबी आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लेयर सिलेक्टेड फ्रॉम एमआई केते परसेंटेज हबो ना सर एको 3 रे कटले 5 3 रे कटले 4 द 5/4 दैट मींस 125% ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर होप कि ये क्वेश्चन क्लियर थिबो नेक्स्ट बढ़िबा क्वेश्चन नंबर 8 तो देख क्वेश्चन नंबर 8 कोन दिजे ना सर एक्स इन्वेस्टेड रुपीस 1500 इन ए बिजनेस वाई इन्वेस्टेड 2000 इन 12 मंथ्स देन तबर देला कोन ना सर एक्स इन्वेस्टेड फॉर द टाइम पीरियड कौन दीजिए हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ वाई दैट मीन्स मुझे ए जब मोर 1500 टाँग इनभेस्ट करी ये जब 6 मास इनभेस्ट कला तो बी मोर कौन कर सर 2000 टाँग इनभेस्ट करते 12 मास मत को ये 00 00 कैनसल हो गला 6 रहा कैनसल कल ये 2 दब देन तपर एठी कौन किसी कैनसल हो पड़े 5 रे कटले 3 सर 5 रे कटले केव ना सर 4 दब तो प्रॉफिट रो रेशियो केते आसला कोना सर 3 आउ 8 आसला देन क्वेश्चन कौन दीजिए ना सर आफ्टर 1 ईयर वाई रिसीव्ड सम प्रॉफिट व्हिच इज 700 लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एक्स इन्वेस्ट केते करथला 1500 700 कम माने केते प्रॉफिट पाइजे ना सर 800 टका त माने 8 यूनिट रे वैल्यू जदी 800 क्वेश्चन पचारि जे फाइंड द टोटल प्रॉफिट माने 11 यूनिट रे वैल्यू केते 8 रे कैंसिल करले 100 त 11 रे मल्टीप्लाई करले केते जीवो कोना सर 1100 ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 को चलो क्वेश्चन नंबर 9 ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज देख ए गोटे काम को केते दिन कंप्लीट करते ना सर 6 डेज रे ए प्लस बी मोर काम को केते दिन कंप्लीट करते ना सर 4 डेज रे मत को रेशियो ऑफ डेज केते अछि ना सर 6 4 तो एफिशिएंसी रो रेशियो केते आसीबो 4 6 2 रे कटले 2 सर 2 रे कटले 3 त माने ए रो एफिशिएंसी जदी 2 तो बी रो एफिशिएंसी केते आसीबो कोना सर 1 आसीबो देन क्वेश्चन दिजे एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ ए ए रो एफिशिएंसी जहां अछि सी रो एफिशिएंसी रो डबल रहइबो फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क एक 6 दिन नौ था एफिशिएंसी 2 था टोटल काम 12 तीन जन जाक शेष करेंगे 4 2 6 1 7 दैट मीन सर 12/7 डेज दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़िया लास्ट क्वेश्चन तो देख शेष क्वेश्चन को जो बर्तमान अच्छा शेष क्वेश्चन आम क्वांटिटी बेस्ड अच्छी पढ़ा कौन दीजिए इन ए क्लास ए देर आर टोटल 11 स्टूडेंट एंड आवरेज वेट ऑफ द 6 स्टूडेंट एमंग देम इज 56 6 जन आवरेज के 56 तो टोटल के 336 दैट मीन सर 336 देन तपर दे आवरेज ऑफ द रिमेनिंग 5 इज 60 तम 5 जन जो 60 आसो तो वैल्यू के कह ना सर 300 टोटल वैल्यू के ना सर 636 देन क्वेश्चन दीजिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ वेट ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी इज 36 अच्छा मत को ए आ बी रो गैप 36 दीजिए आइदर ये इनक्रीज रे हि पर या फिर डिक्रीज रे भी पर ता माने प्लस 36 कले बी रो वैल्यू केते आसीबो 672 गोटे माइनस 36 कले केते आसीबो 600 अच्छा मते एबे वर्तमान कह बी रो किछि भी तम पकरे स्पेसिफिक वैल्यू अछि कि बी रो किछि भी मो पकरे स्पेसिफिक वैल्यू अछि कि मु कहि परबे गोटे वैल्यू मो पकरे 600 आसीले आ गोटे वैल्यू मो पकरे 672 आसुचि एबे वर्तमान क्वांटिटी 2 मते केते दिजि 640 कंपेयर करबा गोटे वैल्यू ठरि कोन अछि ना सर सानो गोटे वैल्यू ठरु बडो दैट मीन्स हमें कोन कहिबा ना सर वर्तमान हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करि परबा नाही ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर क्लियर तो होप कि आजर क्लास बे तमनकु बहुत ही हेल्पफुल रहिबो एग्जाम पई क्लास को लाइक करो शेयर करो संग मान सहित जेते पारु जो शेयर करो ताकि सेमाने भी ये क्लास रो फायदा उठाई पारे ठीक अछि टिल देन थैंक यू टाटा बाय बाय